मर्द को समझने का तरीका, मर्द क्या चाहते हैं ये समझना कि मर्द क्या चाहते हैं और मर्द हजरात कैसे सोचते हैं। दरअसल हर मर्द का नेचर दूसरे से अलग होता है, इसलिए जिस मर्द से मोहब्बत होती है पहले उसका नेचर समझना पड़ता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। मर्द हजरात कुछ स्पेशल की तलाश में होते हैं, वो तवाज़ुन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जिससे उन्हें प्यार हो वो कम से कम उसकी बराबरी का तो हो। अगर मर्द में जोश व खरोश हो, घूमने फिरने का शौकीन हो, मेलजोल रखता हो, टिप टॉप रहता हो, तो वो चाहेगा कि उसमें जिसे कि वो मोहब्बत करता है ये खूबियां हों। वो चाहता है कि उसे जिसे वो चाहता है उसमें एतमाद हो, वो जिसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है वो उसे हौसला दे। जाहिर सी बात है कि किसी से मोहब्बत तभी होती है जब दोनों का जहन एक दूसरे से मैच खाता हो, मिलता हो। मोहब्बत होने की भी कोई ना कोई वजह होती है। और बिला वजह मोहब्बत सिर्फ टाइम पास ही होती है, और अगर वो किसी का पीछा करता है या जिसके पीछे जाता है तो इसके भी दो मकासद होते हैं, एक तो टाइम पास और दूसरा कि वो उससे मुतासिर है। अगर मुतासिर है, वो आप पर मरता है, तो फिर भी देखा गया है कि बज़ाहिर ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि अक्सर लड़कियां मोहब्बत करके नाकाम हो जाती हैं और ये रेशो नाकामी का 90% तक है, यानी 10 में से एक लड़की ही अपनी मोहब्बत पाने में कामयाब होती है। इसका मतलब ये रेशो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब आप इस वीडियो के शुरू में देखें तो मैंने आपको एक बात कही थी, वो है आपस में जहन का मेज खाना मिलना। तो जब तक दोनों का अक्सर बातों पर इक्तफा होता है, दोनों की मोहब्बत कामयाबी से रवा दवा होती है। लेकिन कुछ अरसे बाद, यानी चंद हफ्तों, चंद महीनों या चंद सालों के बाद, जैसे ही दोनों का इख्तलाफ शुरू होता है, ताल्लुकात में दिलचस्पी कम होने लगती और फिर दोनों में लड़ाई झगड़ा या दूरी आना शुरू हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात में क्या करना चाहिए। तो आपने कोई खास कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं, बस कुछ नमूने तब्दील करने की जरूरत है, यानी अपना नुक्ता नजर तब्दील करें। मतलब कि अगर उसे पाना है और हर सूरत में उसे ही पाना है, तो अब आप उसके हिसाब से जीना सीखें। जैसे ही आप में उसे चेन नज़र आएगी, आप एक बार फिर उसकी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी। ये जो मैं कह रहा हूँ ये 100% दुरुस्त बात है, और बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो देखेगा कि अब दोनों का सोचने का अंदाज एक जैसा है, दोनों का मकसद भी एक ही है, आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हैं, जब आप उसके सामने वो सब कुछ रखेंगी जो वो चाहता है, और जब वो देखेगा कि अब आप मुकम्मल तौर पर बदल चुकी हैं, तो फिर इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि वो आपसे अब की बार पहले से भी ज़्यादा मुतासिर हो। अब की बार उसे आप में एक एतमाद नज़र आएगा, अब की बार उसे लगेगा कि आप उसके शाना बशाना चलने को तैयार हैं, उसका साथ देने को तैयार हैं, तो अब की बार आपको भी उसमें बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। आपको भी नज़र आएगा कि उसे आपकी कितनी फिक्र है, और इस तरह आप अपनी खुशियां दोबारा से हासिल कर सकती हैं। बस उसे एक बार इस बात का एहसास हो जाने की देर है कि आप उसकी ज़िंदगी, उसकी कायनात का मरकज व महवर हैं, फिर वो सारी जान मार देगा आपको पाने के लिए। और सच तो ये है कि ये इंसान का नेचर भी है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये इंसानी फितरत है। औरत को अगर अपनी मोहब्बत का इनाम चाहिए तो जैसा मैंने कहा वो करके देखें, फिर आप देखेंगी कि वो आपको पाने के लिए सख्त जिद्दोजहद करेगा, क्योंकि अब आप उसके लिए एक चैलेंज है। बस आप उसे खुश रखें और पिछली कोई बात कभी ना दोहराएं और ना ही याद रखें, बस उसका विजन बन जाए। आप देखेंगे कि आपको अब की बार बहुत ही दिलचस्प चीज़ें देखने को मिलेंगी।
अगर आप चाहती हैं कि मर्द को समझने के लिए आसान तरीका क्या है, तो वो है थोड़ा सा झुक जाएं। मैं जानता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आप लड़कियों के जहन में कई तरह के सवाल आएंगे और आप उनके जवाब चाहेंगी, तो आप मुझसे अपने मसाइल शेयर करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकती हैं। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।